Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Unit number 13, Electrostatics. Topic, Electroscope 13.3. First, we have to know that what the electroscope is. Electroscope is basically a device used to direct the charge on a body. कोई भी बॉडी है हमने उसके ऊपर देखना है कि रादर चार्ज और नॉट, अगर चार्ज है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये सब देखने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। अब प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रोस्कोप का? इलेक्ट्रोस्कोप का प्रिंसिपल वही कि हमारे पास सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इस प्रिंसिपल से ये इलेक्ट्रोस्कोप की डिवाइस हमारे पास काम करती है। अब आप इस डायग्राम से देखेंगे कि हमारे पास इसके कितने पार्ट हैं। हमारे पास सबसे पहले सबसे ऊपर ये जो आपके पास राउंड सी चीज है, व्हाट इज दैट? इट इज द स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, जो हम चार्ज करते हैं विद दिस रॉड। ये रॉड हमारे पास चार्ज होगा, इसे हम लाएंगे इस मीटर स्फीयर के पास। अब ये हमारे पास है जी कॉर्क या फिर इंसुलेटिंग मीडियम। तो हमारे पास जो भी चार्ज जाएगा तो ये इसके अंदर एक रॉड है, ठीक, उस रॉड के जरिए जाएगा नीचे तक। और ये नीचे क्या है बच्चों, ये जो ऐसे बने हुए दीज आर कॉल्ड टू बी द गोल्ड लीव्स, जिनके ऊपर हमारे पास चार्ज आके स्टे करेगा। और ये सारे का सारा जो एक्सपेरिमेंट है इन गोल्ड लीव्स के अट्रैक्शन और रिपेलियन पे होगा। और ये जो बाहर इसकी बॉडी है इसे हाउसिंग कहते हैं। अब आगे आ जाएं, अब वो कहता है इलेक्ट्रोस्कोप हमारे पास, हमने जैसे पहले बात की थी कि कंडक्शन और इंडक्शन दो तरह के प्रोसेस होते हैं। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में बॉडी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होती है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती है और हमारे पास चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। इंडक्शन में क्या होता है बच्चों कि हमारे पास दूर दूर से ही चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ पे देखें फिगर ए में हमारे पास क्या हो रही है, इंडक्शन हो रही है, बॉडीज आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, वायरिंग फिगर बी हमारे पास कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। क्लियर? नाउ अब हमारे पास देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस सारा होता कैसे। द इलेक्ट्रोस्कोप, द चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप कैन देन बी यूज्ड टू डिटरमिन द साइन ऑफ अ मीटर। कि हमारे पास कोई भी चार्ज ना, हमें नहीं पता कि उससे चार्ज कैसा है, तो हम क्या करते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि उसमें कैसा चार्ज है, तो हम ये इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं बच्चों कि हमारे पास देखें, ये हमारे पास बॉडी है, हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप की स्ट्रक्चर ये है ना, ऊपर मेटालिक बॉब, नीचे ये मेटल की सतह जो नीचे आ रही है, और नीचे हमारे पास गोल्ड लीव। ये हमारे पास है जी नेगेटिवली चार्ज, राइट, या फिर हम कह देते हैं दिस न्यूट्रल। ये देखिए इनका जो डिस्टेंस है बराबर का है, इट्स नॉट टू मच। अब हम क्या करते हैं कि एक नेगेटिवली रॉड इसके पास आता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव रॉड आया तो जो चार्ज उस नेगेटिव पे है वही इस पे हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप हमें बताएगा कि हाँ जी। तो जब इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसके बोथ द लीव्स पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब दोनों पे एक जैसा चार्ज है, तो दे विल रिपेल ईच अदर, ऐसे ही होगा ना। मींस दैट हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप को हमने चार्ज किया सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप इज टू चार्ज योर इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज है, तो जब हमारे पास नेगेटिवली चार्ज रॉड उसके पास आएगा तो उसके लीव जो होंगे उनकी हेप बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो हम कहेंगे कि ये जो रॉड हमने इसके पास लाया है दैट इज नेगेटिवली चार्ज। अब केस सी पे आ जाएं, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम क्या कह रहे हैं कि हम एक रॉड ले रहे हैं दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्कोप हमने नेगेटिव पे रखा हुआ है, तो हमारे पास तब क्या होगा कि जो इसके लीव होंगे ये हमने नॉब को चार्ज कर दिया, चार्ज करने के बाद चार्ज नीचे आएगा, जब चार्ज हमारे पास मूव करके लीव्स तक आएगा तो लीव्स पे जब एक जैसे चार्ज आ जाएंगे, rather it is positive or rather it is negative, लेकिन सेम चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे।